वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं गुरमीत सिंह मध्य प्रदेश से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जस्टिस रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इसका प्रस्ताव भेजा था और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए हाई कोर्ट देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करना उचित होगा। इसलिए कॉलेजियम न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया को एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उनके पूर्व जस्टिस शीलू नागू को 4 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। वही जस्टिस संजीव सचदेवा तब से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं।